बेहतरीन एक्टिंग के साथ सुरीली आवाज के बादशाह है बॉलीवुड के ये पांच सितारे। कोई गा चुका है बॉलीवुड का सबसे सुपरहिट गाना, तो किसी ने अपनी आवाज से दिखाया है ऐसा जादू जिसे 100 साल बाद भी याद रखा जाएगा। लिस्ट में एक बॉलीवुड हसीना तो ऐसी है जिसकी आवाज में ऐसा जादू है कि इसके सामने बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर भी फेल है। पहले नंबर वाली बॉलीवुड हसीना का गाना आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इनके बारे में आपको शायद ही पता हो। तो चलिए जानते हैं इस लिस्ट में कौन कौन सी बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस शामिल है। नंबर 5, श्रद्धा कपूर। श्रद्धा वैसे तो अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से भी करोड़ों लोगों का दिल जीता है। उनकी आवाज में ऐसा जादू है कि वो सुनने वालों को अपनी तरफ खींच लेती है। आशिकी 2 में सुन रहा है तू और एक विलेन का गलियां गाना तो आपको याद ही होगा। श्रद्धा ने इन गानों में न सिर्फ अपनी आवाज दी बल्कि ये साबित कर दिया कि वे एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। श्रद्धा के इन गानों को आज भी लोग खूब पसंद करते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने अपने करियर में बहुत कम उम्र में ही सफलता हासिल की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे एक अदाकारा के साथ साथ एक बेहतरीन सिंगर भी हैं? आलिया ने A.R. रहमान जैसे महान संगीतकार के साथ अपनी सिंगिंग की शुरुआत की। फिल्म हाईवे का उनका गाया गाना साहब उनकी सुरीली आवाज का बेहतरीन उदाहरण है। आलिया की आवाज में एक मासूमियत है जो सीधे दिल को छू जाती है। अगर आपको भी आलिया की सिंगिंग पसंद है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की गहरी और प्रभावशाली आवाज का तो हर कोई दीवाना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कई फिल्मों में गाना भी गाया है? सिलसिला का रंग बरसे और बागबान का मैं, यहाँ तू वहाँ जैसे गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। बिग बी की आवाज में एक अलग ही करिश्मा है जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इसीलिए बिग बी अमिताभ बच्चन की आवाज को गाने के अलावा बड़े बड़े विज्ञापनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित को हम सभी उनकी अद्भुत डांसिंग स्किल्स और खूबसूरती के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने सिंगिंग में भी अपनी पहचान बनाई है? फिल्म देवदास का गाना काहे छेड़े मोहे में ना सिर्फ उन्होंने बेहतरीन डांस किया बल्कि इस गाने को अपनी आवाज भी दी। माधुरी की आवाज में एक मिठास है जो हर किसी को उनकी गायकी का फैन बना देता है, लेकिन बेहद कम लोग इस बारे में जानते हैं कि माधुरी दीक्षित बेहतरीन एक्टर और डांसर के अलावा एक बेहतरीन सिंगर भी है। नंबर 1, श्रुति हासन। श्रुति हासन ने साउथ इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है और फिर बॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग से करोड़ों लोगों का दिल जीता, लेकिन एक और चीज है जो उन्हें खास बनाती है और वो है उनकी गायकी। श्रुति ने महज 6 साल की उम्र में अपने पिता की फिल्म थेवर मगन के लिए गाना गाया था। इसके बाद उन्होंने कई हिट गाने गाए और एक्टिंग की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। श्रुति का टैलेंट वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन उनके गाए हुए गानों के बारे में बेहद कम लोगों को पता है। बॉलीवुड ने इन कलाकारों के अलावा भी काफी कलाकार ऐसे हैं जो बेहद कमाल के सिंगर हैं और जिन्होंने कई बड़े गानों में अपनी आवाज दी है। अगर आप ऐसे किसी बॉलीवुड सिंगर के बारे में जानते हैं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं।